चाणक्य समसामयिकी विशेष में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है सार्वभौमिक कोविड टीकाकरण। इस विषय के अंतर्गत हम देखेंगे कि यह चर्चा में क्यों है, झुंड प्रतिरक्षा के लिए वैक्सीन कहां तक पहुंची है, सीमित टीकाकरण रणनीति क्या बताती है, क्या टीकाकरण की आवश्यकता होगी और हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। अंत में इस विषय से संबंधित प्रश्न पर हम विचार करेंगे। यह चर्चा में क्यों है? केंद्र सरकार का कहना है कि भारत को पूरी आबादी के लिए कोविड-19 वैक्सीन की जरूरत नहीं है, बल्कि प्राथमिकता पर संकटपूर्ण जन को टीका लगाना संचरण की श्रृंखला को तोड़ने में मदद करेगा। पहले अनुमान लगाया गया था कि सभी को शॉट्स दिए जाएंगे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को उम्मीद है कि लगभग 2 सप्ताह में एस्ट्राजेनेक वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को लागू किया जा सकता है। दिसंबर के अंत तक इसके परीक्षण के पूरा होने का इंतजार है। इस प्रकार एक टीकाकरण अभियान की संभावना अगले साल की शुरुआत में हो जाएगी, जो संबंधित अधिकारियों द्वारा सुरक्षा मंजूरी के अधीन है। संकटपूर्ण जन से सरकार का क्या मतलब है? इसमें हेल्थ केयर वर्कर्स जैसे डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, अग्रपंक्ति के वर्कर्स जैसे सैनिटेशन स्टाफ, सुरक्षा कर्मी और बुजुर्ग लोग शामिल होंगे। ये सभी मिलकर संकटपूर्ण जन बनाते हैं। अग्रपंक्ति श्रमिकों को टीकाकरण करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे अपनी नौकरी की प्रगति के कारण वायरस के वाहक हो सकते हैं। यह बुजुर्गों और कमजोर स्वास्थ्य की स्थिति वाले लोगों के लिए संक्रमण की दर को कम करने, संचरण की श्रृंखला को तोड़ने में सहायक हो सकता है। सरकार का लक्ष्य है पहली बार टीका उपलब्ध होने के बाद 6 महीने में 250 से 300 मिलियन प्राथमिकता आबादी का टीकाकरण करना है। सीमित टीकाकरण रणनीति क्या बताती है? कई वैक्सीन रिकॉर्ड गति से विकसित की जा रही है, लेकिन उनमें से केवल एक फाइजर बायोएनटेक को अब तक यूके में अनुमोदित किया गया है। अन्य को अभी तक अनुमोदन की उम्मीद है और कुछ का मूल्यांकन नियामकों द्वारा किया जा रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का लक्ष्य है अप्रैल तक 2 खुराक वाली कोविशील्ड के 300 से 400 मिलियन शॉट तैयार करना है। यह ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया जा रहा है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक विनिर्माण भागीदार है। कोविशील्ड की कीमत $3 प्रति खुराक होगी। अगर केंद्र ने इसे खरीद लिया और पूरे 1.3 बिलियन लोगों को टीका लगाया तो वैक्सीन पर $7.8 बिलियन का खर्च आएगा। क्या टीकाकरण की आवश्यकता होगी? इस पर राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर बहस हो रही है। आमतौर पर जिसे वायरल संक्रमण होता है वे एंटीबॉडी विकसित करते हैं जो इसकी पुनरावृत्ति से लड़ती है, लेकिन इस पर भी बहस है कि वो एंटीबॉडीज कितने समय तक रहती हैं। ऐसे में लोगों के एक बार संक्रमित होने के बाद पुनः संक्रमित होने की खबरें हैं, जो यह बताती है कि एंटीबॉडी लंबे समय तक नहीं रहती है या वायरस के खिलाफ टिकाऊ सुरक्षा प्रदान नहीं करती है, लेकिन इस तरह की घटनाएं बहुत कम है। हर्ड इम्यूनिटी क्या है? हर्ड इम्यूनिटी को सामूहिक रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ झुंड होता है। विशेषज्ञों के अनुसार यदि कोरोना वायरस को सीमित रूप से फैलने का मौका दिया जाए तो इससे सामाजिक स्तर पर कोविड-19 को लेकर एक रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होगी। सरल शब्दों में हर्ड इम्यूनिटी यानी झुंड में प्रतिरक्षा विकसित हो जाना, इसका मतलब यह है कि धीरे धीरे इतने लोगों में इम्यूनिटी विकसित हो जाती है कि इन्फेक्शन स्वस्थ लोगों तक पहुंच ही नहीं पाता और बीच में ही रुक जाता है। आज का प्रश्न है कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? विकल्प ए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा, विकल्प बी फाइजर के द्वारा, विकल्प सी जाइडस कैंडिला के द्वारा, विकल्प डी भारत बायोटेक के द्वारा।
कमेंट सेक्शन में आप सभी के जवाब का इंतजार रहेगा। पिछली वीडियो में जो प्रश्न आपसे पूछा गया था उसका सही उत्तर है विकल्प सी। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।